जय हिंद मित्रों। तो भाई अब हम लेके आए हैं अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। इसके साथ आपके अराउंड 4 महीने के करंट अफेयर्स और बचे हैं, 4 या 5 महीने के, तो वो इसी वीक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ये पूरी सीरीज फॉलो करोगे तो भाई सीडीएस और एनडीए में अच्छे मार्क्स आएंगे। सीडीएस में तो 33 के अराउंड क्वेश्चन ये के आते हैं, इसमें से आई गेस 80 to 90% जो करंट अफेयर्स है वो इस सीरीज से आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। शीट्स आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अवेलेबल हो चुकी हैं। मल्टीपल रिविजन्स लगाने हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये वीडियोस देखने हैं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई सीडीएस और एनडीए 2 2023 का जो ऑनलाइन बैच है उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। बैच 1 मई से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कल यानी कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। देखो तो कोर्स के बारे में बता दूं, 75 डेज कोर्स है ये पहला वाला। 1 मई से लेकर 30 जून तक आपका 60 डेज कवर होंगे। इसके बाद 15 अगस्त इसको दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, दैट इज बैच 2 के साथ में रीइंटीग्रेट किया जाएगा। तो 15 to 17 डेज जो आपके हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल 75 डेज लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी देयर। हम पीपीटीज यूज करते हैं, फिगर्स, डायग्राम्स, मैप्स, टेबल्स, पीडीएफ, जो भी आप चाहें वो चीजें हम यूज करते हैं क्लास में इंटरेक्शन के लिए। हर क्लास रिकॉर्ड होती है, बच्चों के साथ में शेयर की जाती है, चाहे आप क्लास कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, क्लासेस आपके पास अवेलेबल होती हैं फ्यूचर यूज के लिए। और रिटन नोट्स और पीडीएफ जैसे मैंने बताया भाई, वो हमारे पास हर टॉपिक का, हर चैप्टर के अवेलेबल कराएंगे हम लोग। एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस, यूट्यूब पे आप क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देख ही रहेंगे। उसका एक प्रो लेवल समझ लीजिए, 1000+ यूपीएससी लेवल की जो क्वेश्चन है वो हर सब्जेक्ट के लिए वो भी आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब जो इंग्लिश है भाई आपकी, उसकी एक्सटेंसिव हैंड्स ऑन लाइव प्रैक्टिस होगी। मतलब हर ग्रामर के टॉपिक के लिए, वोकैब के लिए, रीडिंग के लिए, सब के लिए भाई हम रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ पढ़ते हैं, करते हैं और उनकी लाइव प्रैक्टिस करते हैं। असाइनमेंट नहीं दिए जाते भाई, लाइव प्रैक्टिस की जाती है। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस जो है वो मंडे टू सैटरडे होंगी, 6 टाइम्स अ वीक, शाम को 8 बजे के बाद। ड्यूरेशन 1.5 घंटा सा 2 घंटा, जितना भी टॉपिक हमारा डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट जीके में क्या क्या कवर होगा, जीके में इंटायर इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी के तीनों कंपोनेंट्स, दैट इज वर्ल्ड, फिजिकल एंड इंडियन, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिस्ट्री का एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इकोनॉमी भी कवर होगी, करंट अफेयर्स की सारी कैटेगरीज मंथली वाइज पूरे 10-12 महीने के कवर किए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर होंगे हर सब्जेक्ट के, एक लेक्चर में 150+ क्वेश्चन होते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, तो टोटल 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए किए जाएंगे। और आपको कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल हमारे पास है। इंग्लिश में सारे ग्रामर के टॉपिक्स, बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक, वोकैब के टॉपिक्स, वोकैब बिल्डिंग और इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं जिनसे आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बाकी चीजें याद रख सको, वो सब भी रहेगा इसमें। सारे रीडिंग बेस्ड टॉपिक्स भी रहेंगे इसमें भाई, कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर्स। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक इनकी प्रैक्टिस की जाएगी। यहाँ पर भी आपको कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल हमारे पास में है। और मैथमेटिक्स भाई अवेलेबल नहीं होगा इस कोर्स में, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा सा टीचर अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट फी भाई, बहुत जरूरी चीज है। तो फी जो आपकी है वो भाई देखो 3000 है, मेहनत बहुत लगेगी आप लोगों की भी, मेरी भी। 3000 फीस रहेगी पूरे ड्यूरेशन के लिए, दैट इज 65 75 डेज के लिए। ठीक है, फी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में अवेलेबल है जो मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा। दूसरा बैच जैसे मैंने बताया 1 मई से स्टार्ट होगा, इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी, क्लासेस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होंगी, हर क्लास रिकॉर्ड की जाएगी, शेयर की जाएगी जो भी इनरोल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में, और गूगल ग्रुप के थ्रू उनको अवेलेबल कराई जाएगी, चाहे आप क्लास कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं या फिर आप क्लास मल्टीपल टाइम देखना चाहते हैं तो भी। तो भाई डाउट्स हमेशा पूछे जाते हैं क्लास में और पूछना चाहिए, उसका इंकरेजमेंट रहता है। ऐसा नहीं कि भाई हम चैट वाला ऑप्शन खत्म कर देते हैं या फिर वो माइक म्यूट कर देते हैं, नहीं भाई, आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हैं। मीडियम ऑफ डिलीवरी जो होगा लेक्चर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जैसे मैं भी बताता हूँ, जैसे आप बाकी मेरे क्यूए सेशन देख सकते हैं, इन सब में जैसा रहता है वैसे ही रहेगा। और 1 मई के बाद में भाई बैच 1 में जो है कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे, लेकिन 2 बैच जो 15 जून का है जिसके रजिस्ट्रेशन 15 मई के बाद से स्टार्ट होंगे, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और भाई तो इनरोल मैच कैसे करना है, सबसे जरूरी बात, ये जो नंबर दे रखा है ना इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है, अपना पूरा नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, अपनी करंट सिटी को मेंशन करिए, अपनी क्लास अगर आप एनडीए के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कॉलेज ईयर अगर आप सीडीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, और करंट जॉब में अगर आप किसी जॉब कर रहे हैं तो।
ठीक है, कौन सा कोर्स आप में एनरोल करना चाहते हैं, एनडीए या सीडीएस, तो वो भी आपको मेंशन करना है। अगर आपकी डिटेल्स बिना किसी बेसिक डिटेल्स के डीएम आया तो इट वॉन्ट बी इंटरटेन्ड। आपको इतना सेंस रखना है कि भाई क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है। कोई भी इनरोलमेंट इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू नहीं होंगे, पिंड पोस्ट इंस्टाग्राम है उसके थ्रू आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो भाई टेक योर प्रथम पग टुवर्ड्स अकेडमी विद द डिफेंस उस्ताद। आप लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर एंड आई हैव डन एमबीए फ्रॉम बिट्स पिलानी। 2019 से सीडीएस और एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूँ। मल्टीपल बंदे क्लियर कर चुके हैं, लाइक अलॉट, मैंने काउंट भी नहीं रखा। तो भाई ये चीजें और सीडीएस और एफकैट में 6 और 5 बार कर चुका हूँ। सो दैट वॉज अबाउट मी। ठीक है, चलिए अब हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले कैटेगरी हमारी स्टार्ट होगी नेशनल और डिफेंस की। ठीक है, सबसे पहले आती है युवा 2.0। पीएम मोदी की स्कीम है यंग ऑथर्स को मेंटर करने की। ठीक है, अक्टूबर 2, 2022 को लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। ये रीडिंग राइटिंग और बुक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन राइटिंग्स को ग्लोबली प्रोजेक्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फर्स्ट इंडिया का जो पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स में उसको इंडक्ट किया है। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर पे इसकी सेरेमनी हुई थी। हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है प्रचंड। इसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। तो भाई इसमें हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए ये काफी इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर है जो जिसकी लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो तकरीबन 5,000 मीटर की एल्टीट्यूड पे हो सकती है, वेपन्स और लोड इंक्लूडेड। ठीक है, इसके साथ साथ दो शक्ति इंजन है इसके अंदर। ठीक है, स्टेल्थ प्रॉपर्टीज हैं, ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, आर्मर प्रोटेक्शन है, नाइट अटैक कैपेबिलिटी है, क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर भी इसके पास में है। इसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई इनका जो लो रेडार क्रॉस स्टेशन है इनके पास में, मिनिमल इंफ्रारेड सिग्नेचर परमिट है, एनिमी लाइंस के पीछे भी जा सकते हैं, अनडिटेक्टेड होके अटैक भी कर सकते हैं प्रिसीजन के साथ में। ठीक है, और ये कुछ फीचर्स है इसके साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो भाई देखो पंकज त्रिपाठी जी जो हैं, आपने कई मूवीज में इनको देखा होगा, इनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन के तौर पे जो है डिजिग्नेट किया गया है। इसी के अंडर में मतदाता जंक्शन आता है। मतदाता जंक्शन क्या है, ये तकरीबन साल भर चलने वाला वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो ने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें ड्रामा किए जाएंगे, स्टोरी टेलिंग होगी, एक्सपर्ट के इंटरव्यू होंगे, क्विज होंगे, गाने गाए जाएंगे। तो ये सब स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन डिवीजन ऑफ ESI के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इंडिया और न्यूजीलैंड की जो नेवीज है उन्होंने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे पैक्ट साइन किया है। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मूवमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स। जो भी शिप्स नॉन मिलिट्री कैटेगरी में आते हैं, कमर्शियल वेसल्स की कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो भी मूवमेंट एक दूसरे की सीमाओं में हो रहा है उसको लेके पहले से इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। शिप्स को बेसिकली हम व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और कमर्शियल इलीगल मिलिट्री, मतलब इस तरीके से डिजिग्नेट करते हैं, इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट इज एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट परमिट्स द नेवी ऑफ टू आर्मी टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट शिप्स इन देयर ओशनिक टेरिटरीज। नेक्स्ट इज प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द UAPA ट्रिब्यूनल। तो भाई जस्टिस दिनेश कुमार जो हैं उनको प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के ट्रिब्यूनल का। तो भाई ये PFI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसमें भाई अलग अलग PIC के जो एफिलियट्स हैं जैसे कि RIF, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, AIC, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCHRO और जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एंड रिहैब फाउंडेशन केरला, इसके अंडर में ये लोग इलीगल एक्टिविटीज, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज चला रहे हैं।
तो भाई पीएफआई पे बैन क्यों लगा है? तो जो भी रिपोर्ट्स एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आई हैं और ईडी की ज्वाइंट जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से पीएफआई क्या कर रहा था, वो बहुत सारे फंड्स जो हैं वो बाकी विदेशों से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में रेज कर रहे थे। तो ये जो फंड्स आपके रेज किए जा रहे थे बेसिकली ये काफी इलीगल मेथड से और टेरर रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए किए जा रहे थे, इसीलिए इनको बैन किया गया। नेक्स्ट, न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच इन आईएएफ। तो भाई गवर्नमेंट ने नई वेपन सिस्टम ब्रांच जो इंडियन एयरफोर्स में है उसके लिए असेंट दे दी है। इससे जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स की वो बढ़ेगी। इसके अंदर चार स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स होंगी, जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन ट्विन मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट, ये सारे की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। इसकी वजह से इन सब का यूनिफिकेशन होगा और ये एक एंटिटी के अंदर में क्या है काम करेंगे। ठीक है, तो भाई इससे तकरीबन इंडिया का 3,400 करोड़ रुपए जो है वो बचेगा। अब भाई वेपन सिस्टम ब्रांच क्या होती है? वेपन सिस्टम ब्रांच कॉम्बिनेशन होता है एक या एक से ज्यादा वेपन्स का, जिनमें आपके रिलेटेड इक्विपमेंट, सर्विसेज, मटेरियल्स, पर्सनल्स और मींस ऑफ डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट नेसेसरी फॉर सेल्फ सफिशियंसी, ये सब इंक्लूडेड रहता है। तो ये फोर्थ ब्रांच है इंडियन एयरफोर्स की। तीन एग्जिस्टिंग ब्रांच है, जैसे कि एक आपकी टेक्निकल ब्रांच है, ठीक है, इसके साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है आपकी और फ्लाइंग ब्रांच है, तो ये अब चौथी ब्रांच हो गई है। तो क्या बोलते हैं, इसके अंडर जैसे मैंने आपको बताया फ्लाइंग, रिमोट, सरफेस एंड इंटेलिजेंस, ये सब आ जाएगा। ठीक है, फ्लाइंग स्ट्रीम जो है आप रिमोट स्ट्रीम जो है वो आपकी ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट इन सबको देखेगी। फ्लाइंग स्ट्रीम जो है वो मल्टी क्रू ट्विन सीट एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑपरेटर्स को देखेगी। जो सरफेस स्ट्रीम है वो मिसाइल्स और सिमिलर वेपन सिस्टम्स को देखेगी। और इंटेलिजेंस सब स्ट्रीम जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और बाकी एलाइड इंफॉर्मेशन है इन सबको देखेगी। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड नहीं, हाँ, इंदौर टॉप द लिस्ट ऑफ क्लीनेस्ट सिटीज। तो भाई देखो इंदौर को जो है 6th टाइम इन अ रो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में फर्स्ट नंबर की रैंकिंग दी गई है। ठीक है, सूरत और नवी मुंबई है उनको सेकेंड और थर्ड दिया गया है। तो ये एनुअल क्लीनेस सर्वे है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 7th एडिशन जो है वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर में कंडक्ट किया गया था। अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं उनकी रैंकिंग की गई थी साफ सफाई सैनिटेशन इन सब के पैरामीटर्स पे। एंड इस सर्वे के अंडर अलग अलग फेजेस में सर्विस लेवल प्रोग्रेस, सर्टिफिकेशन प्रोग्रेस इन सब में काउंट किया जाता है। फिर हम आते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है कि बिजनेस करने में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो भाई इससे जो गवर्नेंस है और जो इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो एनहेंस होंगे, उनके अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, जो भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और जो बोर्ड का कंपोजिशन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके प्रोविजन इंक्लूड होंगे, लाइक वुमेन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स का बोर्ड में होना, इक्विटी और टू इंप्रूव इंकरेज इंक्लूसिवनेस, ये सब चीजें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डायरेक्टर्स वगैरह भी इंक्लूड किए जाएंगे, लाइक बैंकिंग कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ, ताकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। तो हम कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी से क्या समझते हैं? उससे हम ये समझते हैं कि भाई कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी जो है उसके अंडर कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी रहेगा, कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन भी रहेंगे, ये सब इस बिल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके साथ साथ फ्री फेयर और टाइमली इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराना इनका मेन एम है। ठीक है, एंड हाँ, यही मेन काम है इनके जो रहेंगे। फिर हम आते हैं पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीएम डिवाइन। तो कैबिनेट ने इस स्कीम को भी क्या किया है, अप्रूव कर दिया है। पीएम डिवाइन बेसिकली आपके एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल फंडिंग के साथ में जो इंप्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि डोनेयर के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन इंक्लूड रहेगा? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज जो है वो इसमें शामिल रहेंगी। तो भाई पीएम डिवाइन के बारे में अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे देखें तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, एक्टिविटीज को प्रमोट करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीएम गति शक्ति जो स्कीम है उसके अंदर में बनाया जाएगा। ठीक है, और जो भी लाइवलीहुड एक्टिविटीज हैं यूथ और वुमेन के लिए ये सब इसमें इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्म फोर्सेस फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम है माँ भारती के सपूत। ठीक है, आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में के लिए वेबसाइट बनाई माँ भारती के सपूत। अब हम आते हैं IARI बासमती वेराइटीज पे। तो भाई तीन नई जो डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज हैं जिनके अंदर बीमारियां कम लगती हैं, जो है पूजा बासमती 1847, पूजा बासमती 1885 एंड पूजा बासमती 1886, ये डेवलप की गई हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट डिजीजेस होती हैं उनसे, ये हाईली रेजिस्टेंस हैं। और ये बेसिकली अलग अलग ब्रीडिंग मेथड्स के द्वारा, जिन्हें MAB कहा जाता है, उससे डेवलप की गई हैं। इस मेथड में जेनेटिक मैनिपुलेशन किए जाते हैं DNA मॉलिकुलर लेवल पे, और इससे हमें डिजायर्ड ट्रेड्स वाली जो फसलें हैं वो मिलती हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर दिलीप महान बोईस पासेज अवे। तो भाई ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, फिजिशियन थे डॉक्टर दिलीप महान बोईस। उन्होंने फेमस जो आपका ORS का जो सॉल्यूशन होता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये बेसिकली उनकी ही खोज थी। डिहाइड्रेशन से बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, तो अगर उन्हें डायरिया वगैरह हो जाता है, जैसे कॉलेरा वगैरह, तो उसके बाद उनको डिहाइड्रेशन से कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो भाई उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। इसमें वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, तो ऐसी डेथ को प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब रिफ्यूजी कैंप्स 1971 जो बांग्लादेश का वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उस टाइम के रिफ्यूजी कैंप्स में ये काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे कॉलेरा और डायरिया की वजह से बच्चों की बहुत मौत हो रही थी। तो भाई ये जो IVs लगाई जाते हैं ना, जो बोटल्स लगाई जाती हैं जिसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स बोलते हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो रहे थे और सफिशियंट ट्रेन पर्सनल नहीं थे जो IV ट्रीटमेंट लोगों को दे सके। तो उन्होंने ये देखा कि शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन जो है, उससे जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है बॉडी की, वो भाई बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है वो कम होता है। तो WHO ने इस ORS सिस्टम को अपनाया स्टैंडर्ड मेथड के तौर पे डायरियल डिसीज को ट्रीट करने के लिए। तो ORS जो फॉर्मूला जो है वो WHO भी रिकमेंड करता है कि भाई इसमें सोडियम क्लोराइड, एनहाइड्रस ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, डाइहाइड्रेट, ये सब मिले हुए होते हैं। 2002 में डॉक्टर दिलीप महानबोईस और डॉक्टर नथानियल एफ पियर्स को पोलिन प्राइज दिया गया था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पोलिन प्राइज, जिसको पीडियाट्रिक्स में, मतलब बच्चों की जो फील्ड होती है दवाई वाली, मेडिसिन वाली, उसमें नोबल की इक्विवेलेंट माना जाता है। ये इनको दिया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। फिर आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटीज रिकमेंडेशन। तो भाई देखो हुआ क्या कि जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया जाना चाहिए आपकी IITs, IIMs और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। कहाँ पे? हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। तो हाई कोर्ट जो आपके नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में है, जहां पर प्रोसीडिंग आपकी इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करी जाती है, वहां पर भी ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि कई बार जजमेंट्स में उनको अलग अलग जगह यूज किया जाता है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और बाकी एम्प्लॉयज जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं और वो हिंदी यूज नहीं कर रहे हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, उनको उनकी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट यानी कि APAR में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर ये रिकमेंडेशंस लागू होते हैं तो ये सिर्फ वही लागू होंगे जिन स्टेट्स में हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मानी जाती है। कुछ स्टेट्स हैं आपके जैसे तमिलनाडु और केरला, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 और रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 के अंडर में इसमें एक्सेम्प्टेड है, वो उसके अंडर में नहीं आएंगे। तो इन रूल्स के हिसाब से हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है एक कैटेगरी स्टेट्स में, जिसमें आपके बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और UP आते हैं, और UTs में आपकी दिल्ली है, अंडमान है, निकोबार आने। ठीक है, कैटेगरी बी स्टेट्स जहां पर हिंदी 65% के करीब यूज करी जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। और कैटेगरी सी स्टेट्स जहां पर 65 से काफी कम यूज की जाती है। और उसके बाद कमिटी ने भाई ये भी सजेस्ट किया है कि हिंदी को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर कैटेगरी ए स्टेट्स में लागू किया जाए और बाकी स्टेट जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट एम इनका ये है कि इंग्लिश का लैंग्वेज का यूज कम किया जाए, रीजनल लैंग्वेजेस को दबाने का इनका कोई इरादा मेरे ख्याल से तो नहीं है। और इसके साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी क्या है? तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी को हेड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है,
तो ये हिंदी लैंग्वेज का जो प्रमोशन है उसके रिव्यू के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इसके लिए सेटअप किया गया था आर्टिकल 351 के अंडर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये 1976 में इसको सेटअप किया गया था अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेजेस एक्ट 1963। ठीक है, पहली जो रिपोर्टिंग कमिटी की वो 1987 में आई। नेक्स्ट इज काटी बिहू। काटी बिहू बेसिकली क्या है? काटी बिहू उन तीन बिहू फेस्टिवल्स में से है जो असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बाकी दोनों है भोगाली या फिर माघ बिहू और दूसरा है रंगाली या फिर बोहाग बिहू। ठीक है, ये तीनों के तीनों बिहू फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। काटी बिहू का मतलब होता है ये फर्स्ट डे होता है असमीज कैलेंडर का। ठीक है, जब भी हार्वेस्ट सीजन आता है, फसल की कटाई का सीजन आता है, तब ये मनाया जाता है। और काती का मतलब होता है कट, तो मतलब जब भी रिलोकेशन ड्राई सैपलिंग्स का इसी टाइम पे होता है। काटी बिहू को कोंगाली यानी कि पुअर बिहू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो अन्न के भंडार है वो यूजली खाली हो जाते हैं और खाने के लिए ज्यादा नहीं बचता। फिर आता है निहोनशु। व्हाट इज निहोनशु? तो जापानीज एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उन्होंने जीआई टैग के लिए, पिछले वाले करंट अफेयर्स में आपको बताया था जीआई टैग का, तो जीआई टैग के लिए निहोनशु के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ये एक जापानीज साके मतलब एक तरह की फर्मेंटेड बियर होती है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, ये राइस के फर्मेंटेशन से बेवरेज बनाई जाती है। इसमें तीन मेन रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, राइस, अ टाइप ऑफ फंगल नोन एज पोहिजिन और वाटर। फिर हम आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्लायोफॉस्फेट। तो भाई ग्लायोफॉस्फेट बेसिकली है क्या? तो देखो ग्लायोफॉस्फेट एक हर्बिसाइड है जो पत्तियों पे लगाई जाती है ताकि चौड़ी पत्तियों वाले प्लांट्स जो हैं वो खत्म हो सके, जो आपकी ग्रासेस वगैरह होती हैं वो खत्म हो सके। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो तकरीबन सारे प्लांट्स को खत्म कर देती है, उनकी जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग साइट्स होती हैं उनको खत्म करती है, तो उनकी ग्रोथ ही क्या होती है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है ग्लायोफॉस्फेट का हर्बिसाइड का, ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और स्पेसिफिक क्रॉप्स को पकाने में भी कई बार हेल्प करता है। तो भाई नए रूल्स क्या है ग्लायोफॉस्फेट के? तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई ह्यूमंस और एनिमल्स को रिस्क है इससे, इसीलिए पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स जो है वही सिर्फ ग्लायोफॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। तो भाई ग्लायोफॉस्फेट और स्पेसिफिकली क्यों बैन किया गया है? तो भाई ये काफी पॉपुलर हर्बिसाइड है इंडिया में। इसका जो यूज है वो जब आप जो इलीगल कल्टीवेशन था ना HT BT कॉटन उसका यूज हुआ था, तभी से इसका यूज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मेनली यूज कहाँ होती है? ये आपकी मेनली यूज होती है ट्री प्लांटेशन में, ताकि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। इट इज ऑल्सो यूज इन नॉन क्रॉप एरियाज टू प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, इरीगेशन चैनल, रेलवे साइडिंग, फैलो लैंड, ये बहुत सारी जगह होती है यहाँ पर ये छिड़का जाता था कि वहां पर प्लांट्स वगैरह ज्यादा ना हो गए। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल लिंक समझ में आ रही कैंसर के साथ में, और इंसेक्ट्स और बीज जैसे जो इंपॉर्टेंट भाई आपके एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स जो होते हैं, इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, उनको उनकी डेथ में भी, ये मतलब उनकी पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे पूरा इकोसिस्टम है जो भाई बर्बाद हो रहा है, फूड और चेन और प्लांट पॉलिनेशन जो है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, IAF ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, उन्होंने तकरीबन 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो स्पेन की एयरबस डिफेंस और स्पेस से मंगाने का पैक्ट किया है। ठीक है, तो भाई इनको इनका एक्विजिशन किया जाएगा और इससे एसोसिएटेड जो भी इक्विपमेंट है वो मंगाए जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में 16 जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई अवे कंडीशन में, मतलब जैसे एकदम बढ़िया चकाचक उस कंडीशन में मंगाए जाएंगे, और 40 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडियन एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्टर टाटा कंसोर्टियम लेड बाय TASL। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TACL जो टाटा ग्रुप की डिफेंस आर्म है इनके द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, ये सब वडोदरा में होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज इन न्यूज के ऊपर। तो भाई सबसे पहले एक्सरसाइज गणना 7 बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ बीच में, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सिम्बैक्स। ठीक है, तो इंडिया ने भी सिंगापुर इंडियन इंडिया मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स को विशाखापट्टनम यानी कि विजाग में होस्ट कर रही है। IMT ट्रायलेट, ये इंडियन नेवी की पहली ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ में। और फिर आती है प्रस्थान एक्सरसाइज, ये ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो है ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में की जा रही है।
और पावर एक्स, तो भाई पावर एक्स जो है इसको डिजाइन और कंडक्ट किया है सर्ट इन ने इन कोलेबोरेशन विद पावर CSIRTs, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर फॉर पावर सेक्टर यूटिलिटीज। और सबसे लास्ट में भाई आती है आपकी IBSAMAR, तो ये जॉइंट मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज है इंडियन, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन नेवीज के बीच में। फिर हम आते हैं भाई, एक सेकेंड, हाँ, और फिर आती है आपकी टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज। तो टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडियन मिलिट्रीज के बीच में हुई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है यूएस और इंडिया के बीच में, ये इंटीग्रेटेड डिफेंस डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंडर में कंडक्ट की गई। फिर अब हम आते हैं अमेंडमेंट्स इन आईटी रूल्स 2021। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, या फिर जिनको शॉर्ट में हम आईटी रूल्स 2021 कहते हैं, ये नोटिफाइड किए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि मैटी के द्वारा। तो जो आपके पुराने सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी SMI जो रूल्स चल रहे थे, अब उनको ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाएगा सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट बनाने के लिए। तो इसके अंडर में ग्रीवेंसेस अपेलेट कमिटीज यानी कि GAC सेटअप की जाएंगी, ठीक है, 3 महीने के अंदर में। ये कमेटी क्या करेंगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइक फेसबुक ट्विटर वगैरह, तो इनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेन्ट्स हैं वो सब जुडिशरी के विदाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। 3 मेंबर्स होंगे कमेटी में, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा और बाकी 2 इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फिर आते हैं भाई हम ग्रीवियंस रिडर्सल इंडेक्स GRI के ऊपर। तो भाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, उसने टॉप किया है GRI को सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव मंथ में, ठीक है। UIDAI क्या है, स्टेचुरी अथॉरिटी है, आधार एक्ट 2016 के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। GRI डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस हर महीने पब्लिश करते हैं। इसमें मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और ऑटोनोमस बॉडीज को क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। अब आते हैं भाई इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले भाई क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं, नोबेल प्राइज सीरीज की बात कर लेते हैं। तो एनी अर्नॉक्स हैं, फ्रेंच ऑथर हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, ठीक है, फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी थ्रू विच शी अनकवर्स द रूट्स स्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। नेक्स्ट भाई आपका आता है इकोनॉमी में, तो बेन एस बर्नांक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप जी डायवर्ग, इनको इकोनॉमी में मिला है फॉर द रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट इज भाई पीस के लिए, तो एनिस वेलस्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको पीस के लिए मिला हुआ है। ये बेलारूस को बिलोंग करते हैं, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल है, इन सबको यूक्रेन और रशिया वॉर में मतलब इंटरफेयर करने के लिए दिया गया है। और फिर नेक्स्ट आते हैं भाई आपके केमिस्ट्री में, तो कैरोलिन आर ब्रेडरी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बेरी शार्पलेस, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला हुआ है। ये जो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनॉमल केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स किए हैं उसके लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए स्वांते पाबो को मिला है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं जीनोम्स में और होमिनिन्स अन ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज के लिए। और फिर सबसे लास्ट में फिजिक्स में एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलेंगर को जो प्राइज दिया जा रहा है, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इंटेंगल्ड फोटोन्स के, वायलेशन ऑफ पेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ कुर्दिश पॉलिटिशियन है अब्दुल लतीफ रशीद, उनको इराक की पार्लियामेंट के द्वारा नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। और यूरोपियन यूनियन का 2022 सखरो फ्रीडम प्राइज यूक्रेन यूक्रेनियन यूक्रेनियन लोगों को दिया गया, ठीक है। तो ये सखरो प्रिज्म ऑफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट जो है, इसको सखरो प्राइज भी कहते हैं। ये ऑनरेरी अवार्ड है जो लोगों को या फिर ग्रुप को दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए अपनी जिंदगियां डेवोट कर देते हैं। तो भाई दिसंबर 1988 में इसको यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहला साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला को दिया गया था, रशियन एनाटोली माखेंको को दिया गया था। पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसको दिया गया था दैट वॉज अर्जेंटाइन मदर्स ऑफ द प्लाजा डे मेयो। फिर बुकर प्राइज भाई, तो शेहान करुण तिलाका को बुकर प्राइज मिला है 7 मून्स ऑफ माली एलमेडा के लिए। उसके बाद शस्त्र रामरजम प्राइज 2022, तो सांग यूइंग किंग, इनको शस्त्र रामरजम प्राइज 2022 दिया गया है। और भाई ऋषि सुनक जो हैं
वो पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूके की ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से। नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग है 107, 121 कंट्रीज में से। तो भाई जो जीएसआई की रिपोर्ट है वो चार कैटेगरीज पे होती है, अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग मतलब लो वेट फॉर एज, वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो, इसको हमें काउंट किया जाता है। तो भाई जो क्या नाम है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 की आई है, किसके द्वारा रिलीज की गई है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। इन्होंने इंडिया को 107th रैंक पे रखा है। तो ये काफी इनएक्यूरेट मेजर है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। उनके हिसाब से भाई इसमें से तीन में से जो चार इंडिकेटर्स हैं कैलकुलेशन के लिए, चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए, वो पूरी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और भाई जो मतलब काफी मेथोडोलॉजिकल कंसर्न्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, इसके साथ साथ जो फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर है लाइक प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश पीओयू पॉपुलेशन, वो सिर्फ 3,000 लोगों के सैंपल साइज पे लिया गया है। बताओ भाई। तो भाई जीएचआई क्या है? जीएचआई जैसे मैंने बताया वो हंगर को रीजनल, ग्लोबल और नेशनल लेवल पे मेजर करती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। जो आयरलैंड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन और एड एजेंसी है, वेल्थ हंगर लाइफ ऑफ जर्मनी है, ये सब मिलकर इसको पब्लिश करती है। ठीक है, डायमेंशन मैंने आपको बता दिए हैं। कंट्रीज को 100 पॉइंट की स्केल पे रैंक किया जाता है, 0 बींग द बेस्ट एंड 100 बींग द वर्स्ट पॉसिबल स्कोर। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो बीसीसीआई ने कहा भाई इंडियन मैन और वुमेन जो है उनको इक्वल पे दिया जाएगा। सेकंड इज फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2002, स्पेन जो है उसने कोलंबिया को फाइनल में हरा दिया। और फिर फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फीफा के साथ, EIFF के साथ में, फुटबॉल फॉर इंडिया फॉर स्कूल इनिशिएटिव के लिए। ये एक इनिशिएटिव है ताकि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 2020 के अंडर में इसको इनकरेज किया जा रहा है। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो भाई 5G सर्विसेज जो इंडिया में है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, 6th एडिशन हुआ इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 2022 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली पे स्टार्ट करी। नेक्स्ट आते हैं आरबीआई लॉन्च सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष। तो शक्तिकांत दास जो है गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने नया सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष जो है उसको लॉन्च किया। ये आरबीआई का एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे सुपरवाइजरी प्रोसेस आपके और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसके थ्रू सीमलेस कम्युनिकेशन, इंस्पेक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो सकता है। साइबर जो आपके इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती हैं और उनके जो एनालिसिस हैं, ठीक है, MIS का जो मैनेजमेंट है, इन सब रिपोर्ट्स का जो मैनेजमेंट है, ये सब इसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, कभी भी कहीं भी सिक्योर एक्सेस मिलेगा। दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, मतलब जो भी कैपेबिलिटीज हैं इस एप्लीकेशन की। दक्ष बेसिकली है क्या, ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जो क्या बोलते हैं आरबीआई की कंप्लाइंस जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करेगा और जो भी कंप्लाइंस कल्चर है उसको बढ़ावा देगा। दैट्स इट। फिर हम आते हैं इंडिया की फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन की तरफ। तो भाई देखो एस्टीरिया एरोस्पेस नाम की जो है वो एक कंपनी है, इन्होंने इंडिया का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन जो है उसका जो सर्टिफिकेशन उनको मिला है। ठीक है, फॉर इट्स प्रिमिटिव डिजाइन A200 ड्रोन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के द्वारा। तो भाई ये बेसिकली क्यों बनाया गया है? ये सर्वेइंग के लिए और मैपिंग के लिए बनाया गया है, GIS में, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और बाकी अदर इंडस्ट्रीज के यूसेज के लिए। DGCA का सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टैचुरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सिविल एविएशन को देश में रेगुलेट करती है। स्टैचुरी बॉडी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंडर में इसको बनाया गया था। एविएशन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, उनके रेगुलेशन को मेंटेन करना इनका काम होता है। इसके साथ साथ SPL जो होते हैं आपके, PPL होते हैं, CPL होते हैं, इसके जो भी लाइसेंसेस होते हैं वो भी यही इश्यू करते हैं। DGCA का हेडक्वार्टर श्री अरबिंदो बाग सफदरगंज एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली में है वहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वाफुवन। क्वाफुवन जो सैटेलाइट है वो चाइना ने लॉन्च की है ताकि सन से रिलेटेड स्टडीज की जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी जो है सन की तरफ डायरेक्ट जो भी इनके स्टडी रहेगी वो उसमें रहेगा। और ये जो एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी SOS है, ये एक लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका नाम क्वाफू वन रखा गया है, जो एक जाइंट था चाइनीज माइथोलॉजी में जो सन का पीछा करता है।
फिर एक्सरसाइज पावर एक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज और पावर एक्स, ठीक है, इसको इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन और पावर CSIRTs यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स जो पावर सेक्टर में, इनके द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑब्जेक्टिव था टू रिकॉग्नाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर इंसिडेंट इन IT एंड OT सिस्टम। थीम क्या है? डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड इन डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, और सर्टिन के बारे में आपको बता दूं तो भाई इंडियन कंप्यूटर क्या बोलते हैं, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन है, ये 2004 में स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में। तो ये आपकी MeitY के अंडर में आती है, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोडल एजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी थ्रेट्स, हैकिंग, फिशिंग वगैरह इन सबसे डील करती है। नाउ ड्रोनी, तो भाई MS धोनी ने मेड इन इंडिया ड्रोन जो है द्रोनी नाम से उसको लॉन्च किया है। ये गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है। ये कंपनी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर एरियाज में, लाइक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में, सोलर पैनल क्लीनिंग में, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन इंस्पेक्शंस में, मैपिंग में, सर्वेइंग में, पब्लिक अनाउंसमेंट में और बाकी डिलीवरी सर्विसेज में ये सारे सारे ड्रोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार इन इंडिया। तो भाई नितिन गडकरी जो है उन्होंने टोयोटा कोरोला एल्टिस यानी कि फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार जो इंडिया में है उसको लॉन्च किया। तो भाई फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो है उनको अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया गया है, E85, E90, E95 अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पेट्रोल टू इथेनॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इससे हाइब्रिड व्हीकल्स की फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि भाई वो इथेनॉल पावर्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन डिक्रीज करने के लिए। इसके साथ इथेनॉल को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज करने के लिए ताकि डीजल पे और फॉसिल जो फ्यूल्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम किया जा सके। तो जो फ्लेक्स फ्यूल कार्स होती हैं ये फ्लेक्सिबल फ्यूल्स यानी कि इथेनॉल, पेट्रोल और जो पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है इस पे रन करती है। इनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई अपना इंजन फ्यूल पेट्रोल से लेके इथेनॉल पे चेंज कर सके। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, कार्बन इमिशंस भी इन बहुत ज्यादा कम होते हैं और इथेनॉल जो है वो पेट्रोल से काफी सस्ता होता है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल जो होती हैं वो आपके फ्यूल बिल्स पे काफी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। तो भाई मोढ़ेरा नाम की जो जगह है तो ये एक सन टेम्पल है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, लेकिन अब ये सोलर पावर्ड विलेज के तौर पे भी काफी फेमस है। यहाँ पर मुर्डेश्वरी गॉडेस जो है, जो देवी है, वो इस टेम्पल में विराजती हैं और यहाँ पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो वगैरह ये सब भी स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज 24x7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, जिसको टेली मानस कहा जा रहा है, ठीक है, ये लॉन्च की 24x7 टेली मेंटल सर्विस रहेगी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर 10, 2022। नोडल सेंटर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है निम्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहंस, सॉरी निमहंस, एंड टेक्निकल निम्स वो जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो मुझे याद आ जाता है। फिर टेक्निकल सपोर्ट इसका IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। फिर हम आते हैं अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल पे। तो भाई इंडिया ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया है, स्ट्राइक रेंज सॉलिड फ्यूल कैरिस्टाइट मिसाइल की है, 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक, सारे मिशन पैरामीटर्स को इसने पास किया है। अग्नि प्राइम मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल नेक्स्ट जनरेशन एडवांस मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है, ये अग्नि 1 और अग्नि 2 के सक्सेसर के तौर पे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में सर्विसेज देगी, ठीक है। तो अग्नि सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स में 6 नंबर पर है। अब तो हम बात करते हैं जीन मॉडिफाइड मस्टर्ड की, ठीक है, यानी कि सरसों की। तो गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल अप्रूवल इसको दे दिया है। तो इंडिया जैसे कि आप सब जानते हो बिगेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल्स का पूरे वर्ल्ड में, तकरीबन बहुत सारा पैसा इस पर खर्च होता है। तो 70% जो हमारी डिमांड है वो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, मलेशिया, यूक्रेन, यहाँ सबसे पूरी होती है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल। तो भाई जो EU लॉ है, यूरोपियन यूनियन लॉ है, उन्होंने कहा है कि भाई सब स्मार्टफोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, कैमरा के लिए अब सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर ही यूज किया जाएगा। आप दो चार्जर्स में से एक चार्जर यूज कर सकते हैं, वन विद एंड वन विदाउट USB-C चार्जर, जब भी आप डिवाइस यूज परचेज करेंगे तब। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे, ठीक है,
तो भाई वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस स्कीम के अंडर में कंपनीज को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स को सिंगल नेम भारत के अंडर में ही बेचेंगे। तो भाई फार्मर्स को इसमें क्या होगा, क्वालिटी क्रॉप न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लो कॉस्ट में, और नैनो यूरिया को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक बोतल जो नैनो यूरिया का है वो तकरीबन एक बोरे के बराबर का काम करेगा अगर आप उसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ जितने भी सब्सिडाइज सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, म्यूरेट्स ऑफ पोटेश, एमओपी और एनपीके, ये सब सिंगल ब्रांड नेम भारत के अंडर में बेचे जाएंगे। फिर 12th डिफेंस एक्सपो इन गांधीनगर। तो भाई जो गांधीनगर में एक्सपो है उसको पीएम मोदी ने ऑर्गेनाइज इनॉग्रेट किया है। इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 8 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 5 सालों में, और अभी कितने हैं, 1.59 बिलियन डॉलर। थीम थी इवेंट की भाई पास टू प्राइड। ठीक है, ये पहला ऐसा एडिशन था जिसमें इंडियन कंपनीज को काफी एक्सक्लूसिव तरीके से फीचर किया गया। 2 साल में एक बार होता है, यानी कि बायनियल होता है। इसमें इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल कस्टमर के साथ में जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट इज म्यांमार एडेड टू लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज बाय एफएटीएफ। तो भाई फाइनेंशियल एक्शन फोर्स एफएटीएफ ने म्यांमार को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में जोड़ा है, जिसको ब्लैक लिस्ट कहा जाता है, विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज इन रिजीम्स टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। मतलब इन सब चीजों पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक कहना इनका ये है। ठीक है, म्यांमार जो है थर्ड कंट्री है नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ इसमें लिस्ट होने वाली। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिकली जो भी कमिटमेंट्स उन्होंने स्ट्रेटेजी करे थे उन सब में काफी स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज पाई गई हैं। एफएटीएफ से हम क्या समझते हैं, एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बनाई गई थी। ये इनिशिएटिव था G7 का, ठीक है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको काउंटर, उसको डील किया जा सके। ठीक है, 2001 में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग भी जोड़ दी गई थी, एंड दीज आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर इट। फिर आते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है, तो डीबीयू स्पेशलाइज्ड ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस यूनिट, यानी कि हब है जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टैबलेट्स, इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं सेल्फ सर्विस मोड में जो आप कर सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सर्विसेज इसमें कौन कौन सी रहेंगी भाई, आप सेविंग अकाउंट्स भी खोल सकते हैं अलग अलग स्कीम्स में, बैलेंस चेक भी कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट्स में, लोन अप्लाई के लिए कर सकते हो, डिजिटल किट्स, मतलब जो भी ये सब चीजें हैं इस सब के लिए आप इनके अंडर में काम कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं लीड्स 2022 सर्वे रिपोर्ट में। लीड्स मतलब लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने लीड्स को सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है। इंडिजिनियस डेटा ड्रिवन इंडेक्स है जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर की एफिशिएंसी है, जो भी उनकी टारगेट्स वगैरह हैं, उसको ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से मेंटेन करना, ये लीड्स का काम है। ये 2018 में लॉन्च किया गया। अब सबसे लास्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो भाई इंडिया की पहली कडबोर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इसके बारे में। स्लेंडर लॉरिस क्या होते हैं, नॉक्चुरल मेमल्स होते हैं, मतलब रात को एक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है, दे आर एर्बोरियल इन नेचर, ये ज्यादातर अपना टाइम पेड़ों पर ही बिताते हैं। ठीक है, ये जो स्पीसीज है इसको इंडेंजर्ड कंसिडर किया गया है IUCN के द्वारा, एंड ये बायोलॉजिकल प्रेडेटर होते हैं पेस्ट के, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह को बचाते हैं, फार्मर्स को इनसे काफी बेनिफिट होता है, इनका काफी इकोलॉजिकल रोल्स होता है, और जो सर्वाइवल है कैटाबोर्ड का ये इनके हैबिटेट्स पे के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि कितना हम उनको बचाते हैं। नेक्स्ट इज हैदराबाद बैग्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPS 2022 के द्वारा, जो जेजू यानी कि साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर में भी ये अवार्ड दिया गया। तो भाई ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2000 अवार्ड इनको मिला है, तकरीबन 6 कैटेगरीज में ये जीते हैं। फिर इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्राइट रेक इंस्ट्रोड्यूस की गई अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उनके द्वारा भुवनेश्वर में।
तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत सारा इंपोर्टेड निकल और कैडमियम यूज करती है, ठीक है। तो भाई अब ये एल्यूमिनियम के जो डब्बे बनाए जाएंगे इससे इंपोर्ट हमारा कम होगा और सेम टाइम पे डोमेस्टिक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगा क्योंकि हमारी डिमांड वहां से ज्यादा जाएंगी। तो ये कोलेबोरेशन में बनाया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, वेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन एंड एल्यूमिनियम मेजर जो हिंडाल्को कंपनी है इसके साथ में इनको बनाया है। फिर इंडिया और फ्रांस जो है दोनों को री इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में मिनिकॉय थुंडी एंड कदमत बीच जो है उनको ब्लू रीचेस की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ठीक है, तो दो नए रीच शामिल हुए मिनिकॉय थुंडी और कदमत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया के पास में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। तो भाई भाई आपके और कौन कौन से ब्लू बीचेस हैं? एडन बीच है पुडुचेरी में, कोवलम बीच तमिलनाडु में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, शिवरात्रपुर बीच गुजरात में, कप्पड़ बीच केरला में, घोघला बीच दीव में, कसारगोड बीच कर्नाटक में, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऋषिकोंदा आंध्र प्रदेश, पदुगिरी बिद्री कर्नाटक, मिनिकॉय थुंडी लक्षद्वीप एंड कदमत लक्षद्वीप। तो ये सारे बीचेस की लिस्ट है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको मिलता है जो काफी ज्यादा साफ सुथरे होते हैं। सबसे लास्ट में एवलेंच हुआ द्रौपदी का डंडा टू पीक पे, तो तकरीबन 16 इंडिविजुअल्स थे जिसमें दो इंस्ट्रक्टर्स थे आपके और 14 ट्रेनीज थे। दे लॉस देयर लाइफ इन दिस एवलेंच। वो एक ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे जो निम्स के अंडर में हो रहा था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के अंडर में हो रहा था, तो ये उस टाइम चल रहा था। तो कैजुअलिटीज में सविता कांसवाल भी इंक्लूडेड थी जो कि पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को जस्ट 16 डेज में उन्होंने क्लाइम किया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो थे वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम यानी कि SDRF के द्वारा किए जा रहे थे। ITVP भी इसमें शामिल थी और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें इंडियन आर्मी के मेंबर्स थे वो भी थे, 40 मेंबर टीम थी। और जो माउंटेनियर्स आपके निम्स में थे वो तो थे ही थे। तो भाई द्रौपदी का डंडा जो पीक है जिसको द्रौपदी हिल कहा जाता है, ये दो पीक्स हैं गंगोत्री रेंज में पड़ती हैं गढ़वाल हिमालयाज में, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसके साथ साथ दो क्रियानी ग्लेशियर है वो भी नगन स्लोप पे इस माउंटेन के सिचुएटेड है। तो भाई जैसा मैंने आपको बैच की इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे दी थी, तो टेक योर प्रथम पग टूवर्ड्स अकेडमी विद द डिफेंस उस्ताद, आवर रिजल्ट इज प्रूवन, और बाकी क्लासेस और बाकी डिटेल्स तो आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल है। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी डाउट के लिए यू कैन DM मी ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। ओके देन, जय हिंद गाइस।